2040 में शहर लाहौर कैसा होगा, एलडीए ने कमर कस ली है। मास्टर प्लान की तैयारी में एलडीए का माहरीन से मुशावरत करने का फैसला। माहरीन को मुशावरत के लिए एलडीए ने 20 नवंबर को मदऊ किया है। इस बारे में शेख जैनुल आबदीन मजीद बताएंगे। जी शेख जैनुल आबदीन, जो इस वक्त एलडीए का मौजूदा है वो 2021 में उसकी मियाद खत्म हो जाएगी, तो अब एलडीए की जानिब से आइंदा 20 साल का जो मास्टर प्लान है वो तैयार किया जा रहा है। और मास्टर प्लान की तैयारी के लिए एलडीए ने माहरीन से भी मुशावरत का फैसला किया है, और माहरीन को मुशावरत के लिए एलडीए ने मदु भी कर लिया है। मुख्तलिफ सरकारी महकमों, सनअतकारों, डेवलपर्स, माहरीन कानून, चैंबर्स ऑफ कॉमर्स और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों को दावतनामे अरसाल कर दिए गए हैं। ये स्टेक होल्डर्स को मुशावरत के लिए मंगल 20 नवंबर 2018 को बुलाया गया है, जबकि चीफ टाउन प्लानर सैयद नदीम अख्तर जैदी की जानिब से ये दावतनामे अरसाल किए गए हैं, और ये मुशावरती इजलास एलडीए कॉम्प्लेक्स जोहर टाउन में होगा। इस सिलसिले में ये जो इजलास होगा इसमें मुस्तकबिल की जरूरियात के मुताबिक लाहौर डिवीजन के इलाके को तरक्की देने के लिए 2040 तक का जो मास्टर प्लान है उस हवाले से डिस्कशन की जाएगी, जबकि डीजी एलडीए के अहकाम पर जो 15 अरकान पर मुश्तमिल रिव्यू कमेटी बनाई गई थी वो भी इस इजलास में अपनी जो रिपोर्ट है वो पेश करेगी। इस सिलसिले में प्रिंसिपल टाउन प्लानर नेसपाक अहमद मसूद वो कमेटी के कोऑर्डिनेटर हैं, उनकी जानिब से ही ये रिपोर्ट पेश की जाएगी, जबकि रिपोर्ट में जो तजावीज दी जाएंगी वो उसमें अदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौल, इसके अलावा पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी और सिटी ट्रैफिक पुलिस के जो नुमाइंदगान हैं वो भी इसमें अपनी जो तजावीज मास्टर प्लान 2040 के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका जैनुल आबदीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे।